मचा रहे गाइस। सो गाइस फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम द केलवा बीच और बीच पे बहुत मज़े किए भाई। थोड़ा सा ही खाया, अब ज़्यादा कुछ खाया नहीं, खाली नारियल पानी पिए ले और वो थोड़ा एक पकड़ा बिगड़ा कुछ था वैसा खाए, वो शूट नहीं किया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी निकलने के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा गर्दी है, भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है क्योंकि अपन धूप के टाइम पे आए थे और अभी पब्लिक इवनिंग शाम हो रहा है तो कैसा दोपहर के हल्का कम हो रहा है तो आ रहे इंजॉय करने के लिए। तो अभी अपन निकलते हैं, अपना ऐसे रहता था जब कोई नहीं रहता तब अपन रहता, जो अपन रहते तब कोई नहीं रहता। अरे सही हो रहा है, तो चलो फटाफट एक गाँव के रास्ते को बाइक करके और भाई को लेके चलते हैं। भाई का क्या सीन है, मैप लगा रहा, मैप लगा रहा। चलो चलो, मुझे लगा कुछ तो लफड़ा हो गया, क्या गिर गया गिर गया। तो चलते हैं भाई। और यहाँ पे ना भाई कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ भी आ रही, स्वीडांस भी आ रही, तो आप भी आ सकते हो, कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि ऑफ रोडिंग वाली चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर बाइक से ही आ सकते हो। अपना जो छोटा गाड़ी रहेगा, फोर व्हीलर भी रहेगा ना, तो आ जाना भाई, मुँह उठा के आ जाना सीधा, कोई इशू नहीं है। और ये भाई पेड़, ये तो भाई हमेशा से अपना फेवरेट रहा है। ऐसा लगता है मैं गोवा में ही डोल रहा हूँ, यहाँ से वहाँ। ये कौन सा वो बीचेस थे, बीचेस के नाम भी याद नहीं रहते मेरे को यार। ऐसा सीन हो रहा है, मतलब एक जगह पे था, ऐसा पूरा शेडो था, पेड़ों से कवर था, साइड में से बंगलोज विलास थे और उसके बीच में आ रहे थे। और भाई अपने बीच में आ जाते साल, जब भी कुछ टॉपिक रहता ना इंपॉर्टेंट बोलना, तब ये बीच में आ जाता है और डिस्ट्रैक्ट कर देता मेरे को। चलो फटाफट निकल दे यहाँ से, मिल दे आपको आगे, लेट्स गो। फाइनली अपन वो गर्दी वाला गांव वाला रास्ता क्रॉस करके अभी बाहर आ चुके, फिर से अमेजोन के जंगलों पे, अमेजोन की नदियों पे, जहाँ से अपने को एनाकोंडा दिखा था उसी पे वापस आ चुके हैं। क्योंकि ये रास्ता ही वैसा है, यहाँ से एक ही रास्ते से आना जाना है अपने को। बट बीच से बाहर निकलते हो थोड़ा एक अलग पैच लेना था, देन बाद में कनेक्ट करना था, तो ऐसा सीन था क्योंकि बहुत नैरो रोड थे ना, तो एक ही रोड से आया जा नहीं सकते। देखो जैसे इतना बड़ा गाड़ी आता है तो भाई एक साइड पे पूरा बाइक को लेके जाना पड़ता है। ऐसा कुछ है, अभी पूरा खाली रास्ता दिख रहा है अपने को आगे तक, थोड़ा रोड करते चलो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर व्लॉग, अनदर एपिसोड। और भाई ये एपिसोड 6 या 7, मेरे को भी याद नहीं रहता यार मैं इतने एपिसोड बना देता हूँ ना, बट आप लोग इंजॉय करते हो। आप हर एक पल में मैं खुशी देना चाहता हूँ और हर एक पल आपके साथ जीना चाहता हूँ, इसके लिए इतने सारे एपिसोड्स बनते हैं। और ये नज़ारे ना देखे ख़त्म नहीं होते, और जितना भी इनको शूट करूँ वो कम ही लगता है मेरे को। मेरा ऐसे ही चाहिए भाई, सब कुछ मिले उसको तोड़ मोड़ के ऐसा बनाते। ओ हो क्या नज़र है भाई, उधर तक जा रहा है भाई वो इलाका, यहाँ पर क्रिकेट का मैच चालू है क्या, ऐसा ही सीन है। बट नहीं भाई, बट ऐसा लग रहा है ना, मतलब मैं किसी और ही जगह पे आ चुका हूँ, महाराष्ट्र के बाहर, गुजरात बॉर्डर, ऐसे ही भाई कुछ तो बोल रहे थे, बट महाराष्ट्र में ही है बट थोड़ा अवे साइड है। तो फर्स्ट टाइम इतना अवे साइड आए ले अपन बाइक पे और दोस्तों के साथ, वो भी मज़ा आ गया। और ये लोग अपने लिए यहाँ तक आए हैं तो उसके लिए उनका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अभी हमको हाईवे को कनेक्ट करना है, ये भी अंदर वाला ही रास्ता है अभी भी, बट हमको जो मेन हाईवे है ना जहाँ से हमने राइट लिया था अंदर तक, अंदर घुसने के लिए, वो हाईवे को कनेक्ट कर ले। वो हाईवे कनेक्ट करने के लिए भाई बता रहे दूसरे रास्ते से जाने, क्योंकि ये रास्ते से तो अपन नहीं आए थे। वो दूसरा रास्ता कहाँ पे है, कब मिलेगा, कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सब अभी भाई के और गूगल माता के हाथ में देखते। राहुल भाई पीछे बैठे ले, अभी मात्रे भाई चला रहे ले, ऐसा हमारा अदली बदली होता रहता है, आपको मज़ा आता रहेगा। कभी येल्लो पीछे, कभी ब्लैक पीछे, ऐसा सीन है। अभी अपन इसको पीछे छोड़ के भाई चल जाते। और गाँव के इलाकों में ना भाई स्पीड ब्रेकर दिखते ही नहीं, मुंबई में तो थोड़ा दिखता है, उस पर वाइट पट्टा रहता है। और ये साइड पर साला समझ में नहीं आता किधर ब्रेकर और किधर रोड है, साला ब्रेकर पे ही रोड है, ऐसा सीन रहता है। और यहाँ फिर से गांव चालू हो गया भाई, कैसा कैसा सीन है ना भाई, मतलब ये गांव के लड़के लोग ना ऐसा गाड़ी चला रहे। हेलमेट पहनो भाई, हेलमेट पहनो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर भी जाओ किधर भी जाओ हालत टाइट हो जाती। मेरा दोस्त ऐसे ही भाई सब्जी लेने के लिए घर से निकला था, 2 मिनट का रास्ता था भाई, गिर गया और सीधा ऐसा चेहरे पर लग चुका है। और यहाँ पे छोटा सा लेक भी है। और भाई फिर से अपन आ चुके भाई सब्जी मंडी वाले एरिया में, मेन मार्केट वाला एरिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं और रास्ता जाम कर देते। अभी अपन वो गैस के गाड़ी के पीछे चल रहे ले कब से, मतलब
आधा घंटा नहीं बोल सकते, 20 to 50 मिनट्स हो चुके हैं, 50 मिनट्स कि अपन उसके पीछे चल रहे हैं और जगह ही नहीं मिला, क्योंकि नैरो रोड है, साइड से दुकान है, लोग है, तो वो भी नहीं जा सकता फटाफट और हमको भी जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि अपोजिट लेन से भी गाड़ी आ रही है। अभी थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा उसके पीछे, दूसरा कुछ चारा नहीं है। चलो करते हम लोग इस ट्रैफिक में जूझते हैं आपके लिए और आगे वाला व्यू लेके आते हैं। तो फाइनली फाइनली उसको बाय कर दिया और ये देखो भाई स्कूल छूट गया, गांव के बच्चे घर जा रहे हैं भाई, मज़ा आ जाता है यार। और सब लोग ना उसी की बाइक को देख रहे हैं भाई, मुड़ मुड़ के देख रहे, हम दोनों की बाइक को कोई पूछ रहा भी नहीं, बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। कोई नहीं कोई नहीं यार, देखो क्यूट क्यूट बच्चे यार, मतलब एक ज़माने में हम भी ऐसे स्कूल जाया करते थे, बट मैं गाँव में नहीं रहा कभी, मेरे दोस्त लोग थे, मेरे भाई लोग थे तो वो लोग रहते थे, तो मैं उनके साथ भी चला जाता था कभी कभी, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मज़ा आता था। कोई नहीं, और गांव के स्कूल में कैसा था कि कोई भी आओ बैठो कुछ इशू नहीं, बस आपको पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है तो आप आके बैठ सकते हो, ऐसा कुछ सीन था, तो मज़ा आ जाता था। किसी को लिफ्ट देने गया, लिफ्ट चाहिए भाई, लिफ्ट लिफ्ट, कोई लिफ्ट नहीं ले रहा यार, लिफ्ट दे देता, मज़ा आ जाता। और वो भी खुश हो जाते यार, उनको भी कहाँ देखने को मिल रहा है ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे मशीन्स, वो भी सोच रहे हैं क्या मस्त गाड़ी है। हो गाइस, फाइनली अपन फिर से आ चुके वही घाट सेक्शन पे जहाँ पे अपनी लगी पड़ी थी सुबह, मतलब ना अपने पेट्रोल नहीं था, रिजर्व पे लगी थी गाड़ी और अपन इधर से नीचे जा रहे थे, मतलब क्या बोल सकते हो, नीचे जा रहे थे मतलब क्या बोल सकते हो, ऐसा ट्रेजेडी हो गया था ना भाई। और अभी चढ़ने के टाइम पे ना वो कर्व्स ना बहुत डेंजर लग रहे भाई, तो संभाल के चलना, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल मत करना और रेसिंग तो बिल्कुल मत करना। हम लोग तीनों हैं बट अभी तक हमने एक बार भी रेसिंग तीनों में बट एक बार भी हमने रेसिंग ट्राई नहीं की और ये हमने कोशिश भी नहीं की कि रेसिंग करें एक दूसरे के साथ। तो आप लोग भी भाई याद रखना ये चीज़, आराम से जाना, कॉन्शियसली जाना, विद द प्रॉपर राइडिंग गेयर्स, सब कुछ प्रॉपरली पहन के जाना, नहीं तो आप लोग ऐसे ही चले जाओगे और ठुक के मर जाओगे, समझ रहे हो। ठुकने का नहीं भाई किधर भी, ऐसे ही चलते जाने का, प्रॉपर प्रॉपर इन प्रॉपर फुल ऐसे अपन जा रहे हैं, अभी फुल लीन वीन करके जा रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है। ऐसे करते करते जाएंगे और ये वादियों को पार करते हुए जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे वादियों में क्या है। बट यहाँ पे ना थोड़ा संभाल के, यहाँ पे ना थोड़ा संभाल के, क्योंकि यहाँ पे बंदर वंदर सब चीज़ें हैं, तो वो बीच में आ सकते हैं और उनको हिट करके आप जाओगे ना भाग के, तो आपको पकड़ लेंगे और आपसे बहुत बड़ा फाइन लेंगे। फाइन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जान इज़ इम्पोर्टेंट। तो Stay tuned, stay subscribed and stay alert on this kind of roads. आपकी भी जान जा सकती है, सामने वाली भी जा सकती है, किसी बेजुबान जानवर की भी। तो उन दिनों की जान बचाने के लिए आप आराम से चले, हमारे साथ चले। और यहाँ पे जो चलाना ना भाई गाड़ी, अलग वाइब है। यहाँ पे अपना फोर व्हीलर भी लेके आएंगे एक बार, पूरा बीच पे, पूरा दिन बीच पे स्पेंड करेंगे, सब वो राइड्स भी करेंगे, मज़ा आ जाएगा भाई। और यहाँ पे देखो कितना डेंजर स्टीव कर्व है मैन, ऐसा हेयरपिन बिंड है, हेयरपिन बिंड ऐसा सीन है। और मैं वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपना माइक का इशू हो गया था, इसके लिए पूरा सीरीज़ में मैंने एक या दो ब्लॉग छोड़ के बाकी सब ब्लॉग्स में वीडियोस में मैंने वॉइस ओवर किया है। आई होप आपको पसंद आ रहेगा। पता है वॉइस ओवर इज़ नॉट दैट क्लियर गुड, और वो फील नहीं आता यार उसमें, मेरे को भी पता है। इसके लिए तो गोप्रो लिया, अडेप्टर लिया, सब लिया, बट माइक एक्स्ट्रा लेना भूल गया और उसी के चक्कर में अपने ये हालत हो गया। तो अगली बार याद रखना गाइस, कुछ भी लेना एक्स्ट्रा एक चीज़ लेके रखना, ताकि आपका ये दिक्कत ना आए कभी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है चलो, ये भाई कर्व्स को बाय करते, बैंड बैंड करते हुए जा रहे अपन ना, मज़ा आ रहा है। मातरे ना थोड़ा स्लो चलाते हैं उसको ना, सबसे ज़्यादा ना मतलब बड़ा भी हमारे में वही है और वो कॉन्शियस भी ज़्यादा है, तो वो हमको हो गाइस, ये देखो अपन ब्रिज पे आ चुके, क्या सुंदर दिख रहा है भाई सनसेट के टाइम पे, मतलब दोनों साइड से पानी, बीच में ये वाइट कलर का ब्रिज, ब्लैक कलर का रोड, ऊपर आसमान। अब यहाँ पे रुक के तो फोटोशूट करना बनता ही है भाई, अभी भाइयों को बोलता हूँ रुकते और देखते क्या सीन है, रुक भी गए भाई, सही है, दिल की सुन ली इन्होंने, और फटाफट उतरते और फोटोशूट करते।
लोग यहाँ पे रुके ये ब्रिज पे फोटो शूट कर रहे हैं। और नज़ारा तो देखो गाइस, सनसेट पॉइंट है टाइम है और हम लोग यहाँ पे खड़े फुल मचा रहे गाइस। तो भाई अपने फोटो शूट कर रहे, इसको ले आने का डिसीजन सही था भाई, सही हुआ। चलो निकल रहे हैं। तो गाइस अभी अपने यहाँ पे फोटो शूट हो चुका है और बहुत बढ़िया लग रहा है। सनसेट का टाइम है ना, तो भाइयों के साथ मज़े करते हुए जा रहे हैं अपन। अपनी अभी होम वापसी हो रही है और राहुल भाई जो मस्त फोटो ले रहे हैं ना भाई, मज़ा ऐसा आ रहा है। अभी वॉइस ओवर करो, थोड़ा लिप्स इधर उधर मैच हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, बट ये फील करो गाइस, फील करो जो वहाँ के बोल देना। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ उनको कन्वे करने का, मिलते हैं आपको आगे। तो चलो अभी ये ब्यूटीफुल नज़ारे को बाय करते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट भाइयों के साथ। मज़ा आ गया भाई, यहाँ पे जो एक सेक्शन मिला ना ये फोटोशूट करने का, इट्स रियली रियली ऑसम मैन, रियली। ये मतलब ना अलग ऐसे जगह ना प्लेस मिलते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो वहीं पे वही टाइम पे रुक जाओ, क्योंकि बाद में ना टाइम मिलता है ना बाद में वो प्लेस मिलता है। इसके लिए जब मिलता है उधर ही रुक जाओ। हमने आते समय वो गलती किया, अभी जाते समय वो गलती नहीं करेंगे। इसके लिए रुक गए, दिख गया, रुक गए, फ़ोटो निकाला, वीडियो निकाला, अभी निकल लिए। अभी भी अपने को घर जाने के लिए 110 किलोमीटर अपने को जाना है और मैं ऐसे तैरते हुए जाएगा। देखते अपने को हवा भी भरवाना टायर में, थोड़ा कम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।